गुर्जर आरक्षण को लेकर कोचामन सिटी देवनारायण मंदिर में हुई मीटिंग। देवसेना जिलाध्यक्ष नंदकिशोर गुर्जर आसपुरा के नेतृत्व में आसपास के गांवों से काफी संख्या में गुर्जर समाज के लोग इकट्ठा हुए और राजस्थान सरकार के नाम SDM को ज्ञापन देकर चुंगीनाका सर्किल पर काफी देर तक धरना प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष का कहना है कि राजस्थान सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में गुर्जर समाज के बैकलॉग 5% आरक्षण 3 शहीदों को सरकारी नौकरी एवं मुआवजा देने की बात की थी, जो आज 2 साल हो गए अभी तक उनकी एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। सरकार को आखिरी चेतावनी है कि जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी करे, अन्यथा आगामी 5 दिनों के बाद में किशनगढ़ हनुमानगढ़ हाईवे अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की रहेगी। इस दौरान गुर्जर समाज के युवाओं में काफी आक्रोश देखने को मिला। इस मौके पर काफी संख्या में गुर्जर समाज के लोग एवं देवसेना के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नवभारत समाचार कुचामन सिटी नागौर से सोनू पारिक की रिपोर्ट। मांगते हैं।